बच्चों में पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 11 की गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 15 सांख्यिकी, जिसका भाग नंबर 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, जस्ट पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें पूरा परिचय दिया सांख्यिकी क्या होती है, 10वीं क्लास की बातें आपको याद करवाई मैंने, समांतर माध्य के बारे में बताया, माध्यिका के बारे में बताया। फिर हमने देखा कि केवल केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हमारी सांख्यिकी का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। फिर मैंने तुम प्रकीर्णन की माप के बारे में बताया, जिसमें हम पढ़ेंगे परिसर, चतुर्थ विचलन, माध्य विचलन, मानक विचलन, इन सभी के बारे में मैंने तुम्हें समझाया। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आपकी प्रश्नमाला 15.2 के उदाहरणों के साथ। ये उदाहरण आप एक एक बिल्कुल ढंग से समझो, इसी पर आधारित फिर तुम्हारी प्रश्नमाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखना सभी। मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। बच्चों, क्या होता है, श्रेणी के विभिन्न चर मूल्यों के, जो भी हमारे पास डेटा गिवन होगा, उनके समांतर माध्य से, समांतर माध्य निकालेंगे, प्राप्त विचलन पहले वाले डेटा में से हम समांतर माध्य घटाएंगे, फिर दूसरे वाले डेटा में से समांतर माध्य घटाएंगे, विचलन के वर्गों के, उनका वर्ग करेंगे और सबका सम करेंगे, फिर उसका समांतर माध्य निकालेंगे यानी कि डिवाइड बाई एन करेंगे को, और फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे, उसको मानक विचलन कहते हैं बच्चों। अब देखो, ये जो हिंदी में डेफिनेशन लिखी हुई, उसको न्यूमेरिकली हमने कैसे शो किया। एक्स बार से मतलब क्या होता है बच्चों, समांतर माध्य, ठीक है, से प्राप्त विचलन, विचलन से मतलब पहले वाले डेटा, फिर आ जाएगा बच्चों दूसरा वाला डेटा का विचलन, फिर ऐसे तीसरे वाले डेटा का विचलन, बोलो हाँ, है ना, ऐसे चलेगा ना। तो इसने शॉर्ट में बच्चों क्या लिख दिया, आई बराबर 1 से लेके n तक, और एक्स आई, आई का मान 1 2 3 4 रखते जाएंगे, समांतर माध्य फिक्स होगा, उनके वर्गों के योगफल का समांतर माध्य, समांतर माध्य के मतलब उसकी संख्या से डिवाइड करेंगे, और संख्या से मतलब बच्चों क्या होता है एन, इसका वर्गमूल, इसको बच्चों क्या कहते हैं, मानक विचलन, इसको इस वाले से शो करेंगे, ये मानक विचलन का सिंबल है बच्चों, इस तरह से। क्लियर है क्या बच्चों? बस फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, इसका और कोई इलाज नहीं है, दीवार पे आपके दीवार पे चिपका देना, अपने रूम में अपने आप याद हो जाएंगे बच्चों। अब इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करें, उससे पहले एक चीज और देख लो, मानक विचलन गुणांक, कॉफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, एक निरपेक्ष मान है, दो श्रेणियों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए मानक विचलन का सापेक्ष मान का प्रयोग करते हैं, जो मानक विचलन गुणांक कहलाता है। इसका सूत्र निम्न है बच्चों, जब इसका रेशियो, मानक विचलन गुणांक क्या होता है, सिग्मा, ये वाला, यानी कि मानक विचलन बटा समांतर माध्य, ठीक है, ये हमने पहले निकाल लिया था, ये निकाल ही लिया था, ये भी तुम निकाल ही लोगे, इसको मानक विचलन गुणांक कहते हैं, है ना। अब आते हैं बच्चे बात प्रसरण की, वेरियंस, इसको ध्यान से देखो, माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों के माध्य को प्रसरण कहते हैं। यानी कि बच्चों, प्रसरण और मानक विचलन में क्या अंतर है, प्रसरण में तो उसका वर्ग, और मानक विचलन में वर्ग नहीं होगा, उधर वर्गमूल हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। देखो, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा, ये बच्चों इसको सिग्मा का, इसको मानक विचलन का स्क्वायर हो गया। मानक विचलन हमने पहले पढ़ ही लिया, पढ़ा नहीं पढ़ा हमने मानक विचलन बच्चों? तो मानक विचलन का फॉर्मूला ये तो था, ये वाला क्या था फॉर्मूला, समेशन आई वन एन से लेके, फिर क्या करेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी कि समांतर माध्य के स्क्वायर बटे बच्चों क्या कर रहे थे, एन एम कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे बच्चों सिग्मा, ये इसको बार बार सिग्मा निकल रहा है बच्चों, मानक विचलन का स्क्वायर, प्रसरण, वेरियंस, इसके लिए यहाँ से अंडर रूट हटा देंगे, यानी कि ये लो, ये बन गया हमारे पास। अब ये तो मैंने पहले तुम्हें समझाई दिया, एक्स वन माइनस समांतर माध्य का स्क्वायर, एक्स टू माइनस समांतर माध्य का स्क्वायर, जहां तक भी होगा वहां तक ले लेंगे, अपॉन में एन आ गया। तो फॉर्मूले याद करने बहुत जरूरी है, तो मानक विचलन का फॉर्मूला याद हो जाएगा, तो प्रसरण का तो वैसे ही याद हो गया हमारे को, ठीक है। चलते हैं बच्चों उदाहरण 8 में। बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक आपके सामने बिल्कुल खुली हुई होनी चाहिए, मैं आपके सारे उदाहरणों को, डिटेल सॉल्यूशन आपके पास है, उनकी एक एक स्टेप को मैं तुम्हें समझा देता हूँ। बच्चों, हमें क्या निकालना है, प्रसरण तथा मानक विचलन, तो दोनों बातें पर निकाल लें, प्रसरण निकालना भी आपको आता है, मानक विचलन निकालना भी आपको आता है, तो मैं सब चीजें तुम्हें ढंग से सिखाता हूँ। बच्चों ध्यान से देखो, दिए गए आंकड़ों को सारणी रूप में लिखने पर और कल्पित माध्य ए बराबर 14 लेने पर, यानी इसने कल्पित माध्य बच्चों 14 मान लिया। कल्पित माध्य के बारे में मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ढंग से समझा दिया था, 10th क्लास में भी आपने ढंग से पढ़ा होगा कि एक माध्य हमने कल्पना कर ली, एक माध्य की बच्चों हमने क्या कर ली, कल्पना कर ली, एन बराबर 10, ठीक है, एन का मान 10 होगा ही, तुम इसको काउंट कर लो, 4 और 4 8 और 2 10। अब देखो बच्चों ध्यान से देखो, ये पहली पंक्ति हमारे पास बन गई पूरे डेटा की। यहाँ पे देखो बच्चों, डी, जब कल्पित माध्य से हम निकालते हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है कल्पित माध्य से निकालने का, ये वाला, कल्पित माध्य से समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ए
ए मतलब कल्पित माध्य, समेशन ऑफ डी, डी बच्चों होता है कल्पित माध्य से विचलन, उन सभी डेटा का सम, एन से मतलब नंबर ऑफ डेटा जो भी हमारे पास आंकड़े हैं, एच से मतलब बच्चों होता है अंतराल। ये फॉर्मूले तुम्हें लिखने पड़ेंगे जब कल्पित माध्य से हमें क्या निकालना हो, समांतर माध्य निकालना हो। तो ध्यान से देखो, अब डी निकालने का क्या होता है, ये मैंने पहले समझाया तुम्हारे को, एक्स आई माइनस ए बटा दो होता है, ठीक है। ए से मतलब जो भी कल्पित माध्य तुम्हारे पास है। अब एक बार एक्स का एक्स वन का मान रखो, यानी कि छः, छः माइनस चौदह बच्चों माइनस का आठ, माइनस का आठ बटा दो माइनस का चार, आठ माइनस चौदह माइनस का छः, माइनस का छः बटा दो माइनस का तीन, आ रहा है ना। ऐसे तुम कोई सी भी कैलकुलेशन ले लो, जैसे यहाँ पे देखो चौदह ले लेता हूँ, चौदह माइनस चौदह जीरो, जीरो बटा दो जीरो, तो इन सब का सम हमने किया ना, तो चार तक तो सारी बातें कैंसिल हो गई, ये अकेला बच गया, तो ये समेशन ऑफ डी आ गया बच्चों हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे आओ बच्चों, हमने माध्य से माध्य विचलन, अब माध्य से माध्य विचलन यदि हम निकालें, तो ध्यान से देखना, माध्य से माध्य विचलन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे आ जाओ एक बार, पहले हमने इससे माध्य निकाल लिया, ये डेटा पूरा यहाँ पे रखो, ए का मतलब चौदह, ये हमने निकाल लिया पाँच, एच से मतलब बच्चों अंतराल दो, अंतराल कितने का आ रहा है, दो का आ रहा है, एन से मतलब दस, कैलकुलेशन करी बच्चों, एक्स बार यानी कि समांतर माध्य बच्चों हमारे पास कितना आ गया, पंद्रह आ गया। एक कल्पित माध्य से हमने क्या निकाला बच्चों, समांतर माध्य निकाला, ठीक है, पंद्रह। अब देखो एक्चुअल में तो प्रसरण और मानक विचलन के लिए माध्य माध्य से माध्य विचलनों के वर्गों का योग का समांतर माध्य में चाहिए, यस। तो बच्चों यहां पे हम क्या करेंगे, प्रत्येक डेटा में से समांतर माध्य घटाओ, माध्य से माध्य विचलन निकालो, विचलन से मतलब घटाना है ना, तो छह माइनस पंद्रह माइनस का नौ, आठ माइनस पंद्रह माइनस का सात, तो इस तरह से कैलकुलेशन करोगे तो ये तुम्हारे पास पूरा डेटा आ गया। इनका वर्ग भी करना पड़ता है, सबका वर्ग कर देना, अभी तुम करना वीडियो पॉज करके सबका सम कर देना। फॉर्मूला हम सभी जानते हैं प्रसरण का, ये होता है प्रसरण बच्चों क्या होता है, उसका वर्ग होता है, ठीक है। तो ये एक्स वन बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आई आएगा, ये ना पूरे डेटा का लिया हमने, ये पूरा सम हमने निकाला 330, एन का मान है 10, 10 से डिवाइड किया 33 आ गया। मानक विचलन क्या होता है, इसका प्रसरण का वर्गमूल होता है बच्चों, तो इसका वर्गमूल अप्रोक्सीमेट आ गया बच्चों 5.74, अप्रोक्सीमेट लगभग आंसर हमें लिखना होता है। अब यहाँ पे देखो, इस प्रश्न ने ये बिल्कुल नहीं बोला था कि आप कल्पित माध्य से समांतर माध्य निकालो, तो समांतर माध्य निकालना मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में सिखा दिया ना पहले वीडियो में, कैसे निकालते थे बच्चों, आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या, यस और नो, है ना। तो इन सबका ऐड कर दो तुम, करें एक बार ऐड, ध्यान से देखो बच्चों, इन सबको ऐड करोगे ना तुम, देखो ऐड करने का तरीका बताता हूँ, वैसे तुम्हें तो प्रॉपर ऐड करना पड़ेगा, 10 और 10 20 और 10 30 40 50 60 70 80 90 110, 110 तो पूरे 10 10 जिसमें आ रहे हैं ऊपर के जोड़ लेते हैं, है ना। ये जोड़ने का तरीका बताऊँ, 8 और 4 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20 और 4 26 और 8 34 और 2 36 और 4 40। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया आंकड़ों का योगफल 150 बटा आंकड़ों की संख्या 10, समांतर माध्य बच्चों कितना आ गया 15। तो ये निकालना ज़्यादा आसान था ना, बजाय कल्पित माध्य से समांतर माध्य निकालने के, लेकिन हमें वो भी आना चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो 15 निकाल लोगे, प्रसरण और मानक विचलन दोनों तुम्हें निकालने आते हैं बच्चों। प्रसरण के लिए हमें क्या करना होता है, समेशन ऑफ माध्य से माध्य विचलन के वर्गों का योगफल बटा एन, ठीक है। मानक विचलन के लिए बच्चों क्या करोगे, इसका वर्गमूल कर दोगे, बस इतनी सी बात है, क्लियर है, डन। चलो तो फिर आगे बढ़े नेक्स्ट, है ना, अगले उदाहरण पे चलते हैं। पांच छात्रों ने गणित विषय में क्रमशः 23, 46, 16, 25 और 20 अंक प्राप्त किए, उनके प्राप्तांकों का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो करें मानक विचलन ज्ञात, आ जाओ इसे मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले बच्चों अपन ने इनको लिख लिया ऐसे, कैसे, पांच विद्यार्थी हो गए। अब एक्स माइनस एक्स बार है ना, ये एक्स आई माइनस एक्स बार हो गया। अब एक्स बार क्या होता है, समांतर माध्य। अब तुम चाहो तो कल्पित माध्य से भी निकाल सकते हो मजदूरी करके, जैसे हमने पिछले वाले में किया था, ए प्लस समेशन ऑफ डी बटा एन गुणा एच, या समांतर माध्यम डायरेक्ट निकाल लें, सभी को जोड़ें 130 डेट आंकड़ों की संख्या से डिवाइड करें, वो पाँच है, 26 हमारे पास समांतर माध्य आ गया। तो 23 में से 26 घटाओ माइनस का तीन, 46 में से 26 घटाओ बच्चों कितना बचेगा, 46 में से क्या घटाओ 26, तो 20 बचेगा। तो एक कैलकुलेशन कर लो, इन सभी का वर्ग कर लो। अब इन सब का वर्ग जब हमने किया तो बच्चों वर्ग का एडिशन आ रहा है 546,
फॉर्मूला तुम्हारे सामने है ही। फॉर्मूला क्या होता है? मानक विचलन का ये होता है, कैलकुलेशन करो 10.45 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेशन तो तुम कर लोगे ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्लियर है ना डेटा? जल्दी बोलो हाँ या ना, बढ़े फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों, थोड़ा सा आगे। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक असंतत, असतत या असंतत बारंबारता बंटन का मानक विचलन, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब बच्चों अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी, अब तक बारंबारता नहीं आ रही थी, अब तक सिंपल सा डेटा आ रहा था। अब ध्यान से देखो, हमारे पास डेटा होगा बच्चों, उसकी फ्रीक्वेंसी एक्स वन एफ वन टाइम आ रहा है, एक्स टू एफ टू बार आ रहा है, एक्स थ्री एफ थ्री बार आ रहा है, वैसे एक्स एन कितनी बार आ रहा है, एफ एन बार। बच्चों इन सबको प्रॉपर नोट्स बना के नोट डाउन करना, आप बेसिक में समझा रहा हूँ तुम्हारे को ना, ध्यान से देखना। तो बच्चों इसके लिए मानक विचलन का फॉर्मूला क्या होगा, अब तक हम क्या कर रहे थे, एक्स आई माइनस माध्य है ना, कर रहे थे ना, माध्य का होल स्क्वायर फिर उनका सम बटा एन। अब बच्चों बारंबारता से गुणा भी करना पड़ेगा, क्योंकि उतनी बार तो आएगा वो, तो एफ से मल्टीप्लाई करके हमें ये निकालना पड़ेगा, पहले तो एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर तो निकाल ही रहे थे, अब उस एफ आई से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। एफ आई से मतलब उस कक्ष की बारंबारता है ना, यानी कि जैसे यहाँ पे वन रखेंगे तो एक्स वन कितनी बार आ रहा है वो अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स टू कितनी बार आ रहा है, एक्स थ्री कितनी बार आ रहा है, उन सबका सम करेंगे फिर, ठीक है। यहाँ पर एन क्या हो जाएगा बच्चों, अब एन हमेशा क्या होता है बच्चों, एफ बारंबारता क्या होती है, कोई बात कितनी बार आ रही है, तो उसी का अपन सम कर देते हैं। तो यहाँ पे एन से तात्पर्य अब इसका सम हो जाएगा, ये तो बहुत बेसिक बात है जो तुमने 10th क्लास में पढ़ ली होगी। हम निकालते हैं बच्चों, आ जाओ ध्यान से, एक एग्जांपल आंकड़े हमारे पास है, एक्स वन चार जो कि तीन बार आ रहा है, आठ पाँच बार आ रहा है, ग्यारह नौ बार आ रहा है, सत्रह पाँच बार आ रहा है, बीस चार बार, चौबीस तीन बार, बत्तीस एक बार। इसका मतलब यही होता है, प्रसरण और मानक विचलन के फॉर्मूले अपडेट अपन ने कर ही दिए, इसकी बारंबारता ये हमारे एक्स हो गए, तो एफ एक्स हमें निकालना पड़ेगा। तो एफ एक्स आई यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, चार थी बारह, आठ पंजे चालीस, ग्यारह नाम निन्यानवे, तो ये सारी कैलकुलेशन आप ऐसे देख लो। नेक्स्ट माध्य है ना, तो पहले माध्य निकाल ले अपन, माध्य निकालना बहुत आसान काम होता है बच्चों। माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, माध्य निकालने के लिए हम यहाँ पे हमने माध्य बच्चों कैसे निकाला, यहाँ पर माध्य बच्चों चार माइनस छः, चार माइनस चौदह कितना आ गया, माइनस का दस, आठ माइनस चौदह माइनस का छः, 11 माइनस चौदह माइनस का तीन। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये माइनस का 14 कहाँ से आया, तो बच्चों ध्यान से देखो, माइनस का 14 नहीं है, एक्चुअली प्लस का 14 है, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इसकी, है ना। तो माध्य यहाँ पे 14 कैसे आएगा, ध्यान से देखो, सबको जोड़े बच्चों अपन, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं ना, यानी कि कितने आंकड़े हैं हमारे पास, उन सभी का सम है ना, और आंकड़ों की संख्या से हम डिवाइड करते हैं। तो जो एफ एक्स की बात करते हैं ना, तो ध्यान से देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 420, ये समेशन आ गया इसका, योगफल आ गया। टोटल हमारे पास संख्या कितनी बच्चों, 30। तो 420 में एक्स बार निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, 420 में 30 का भाग तुम दे दो, ये गया 14, यानी कि एक्स बार समांतर माध्य बच्चों इसका कितना आ गया, 14। अब माध्य से माध्य विचलन, तो 4 में से 14 घटाओ माइनस का 10, 8 में से 14 घटाओ माइनस का 6, तो इस तरह से घटाते जाओ, ये हमारे पास माध्य से माध्य विचलन आ गया। अब उसका हम क्या करते हैं बच्चों, वर्ग, इन सभी का वर्ग कर दो, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एफ से, उसकी बारंबारता से, 100 को 3 से गुणा करो, 36 को 5 से गुणा करो, 9 को 9 से गुणा करो, इन सभी का सम हमें करना होता है। तो बच्चों सम यहाँ पे कर लेना इन सभी का, ये हमारे पास कितना आ गया, 1374। फॉर्मूला तुम्हारे सामने है ही, फॉर्मूला बच्चों हमारे पास क्या होता है, ये 1374 है, फॉर्मूला तुम्हारे पास है। ये बच्चों इसने क्या निकाल के दिखाया तुम्हें, माध्य, वो मैंने तुम्हें पहले निकाल के बता दिया। अब डायरेक्ट आ जाओ यहाँ पे, प्रसरण स्क्वायर होता है, अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं, प्रसरण के लिए तुम्हारे को 1374 में डेटा बच्चों, एन का मान कितना है, समेशन ऑफ एफ वो कितना आ गया, 30, डिवाइड करो 45.8 मानक विचलन के लिए, इसका अंडर रूट कर दो बच्चों, अंडर रूट करने पर यह तुम्हारे पास आंसर आ गया 6.77। तो बहुत आसान है कि फॉर्मूला बेस बातें है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, आराम से करना बच्चों। नेक्स्ट बच्चों असंतत बारंबारता का हमने किया, अब चलते हैं सतत बारंबारता, संतत बारंबारता बंटन का मानक विचलन। बच्चों संतत को पहले असंतत में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देखो संतत बारंबारता बंटन के सभी वर्गों के मध्यमान लेकर असंतत बारंबारता बंटन में निरूपित कर सकते हैं, तब असंतत बारंबारता बंटन के लिए अपनाई गई विधि द्वारा मानक विचलन ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इसको प्रॉपर नोट डाउन कर लेना, मैं तुम्हें न्यूमेरिकल समझाता हूँ डायरेक्ट आ जाओ। ये फॉर्मूला हमारे पास है ही जो अपन फॉलो कर रहे हैं,
एक्स बार बंटन का माध्य है एन, ये भी हमने पहले पढ़ लिया। मानक विचलन बच्चों जब भी हमें किसका निकालना हो, संतत का, उसके लिए फॉर्मूला ये वाला होगा। कर लोगे नोट डाउन? अरे फॉर्मूला अलग है, वही है, देखो ध्यान से मैं समझाता हूँ तुम्हारे को ना बच्चों, वही तो बात आई हमारे पास। कैसे, ध्यान से देखो, समेशन ऑफ एन, अब यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई अपन करेंगे, तो देखो थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे, ये वाला फॉर्मूला हम निकाल रहे थे, यस और नो, इसको हमने एन से डिवाइड कर दिया। अब बच्चों यहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यदि मानक विचलन निकालो संतत का, तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा अलग अलग। कैसे, देखो ध्यान से देखो, अब देखो यहाँ पे मुझे बार बार रुकने की आवश्यकता थोड़ी है, तुम नोट डाउन कर लोगे ना, तुम्हारी बुक में भी है, बहुत आसान एक्सरसाइज है बच्चों। अब देखो यहाँ पे वर्ग अंतराल में आ गए, 30, 40, 40, 50, 50, 60, तो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था तुम्हारे को, हमें मध्यमान लेकर निकालना पड़ेगा। तो बच्चों एग्जाम्पल में समझाता हूँ ध्यान से देखो, ये वर्ग हो गया हमारे पास, ये बारम्बार था हमारे प्रश्न में दी हुई है, 3, 7, 12, 15, 8, 3, 2, ठीक है। मध्य बिंदु बच्चों, मध्य बिंदु 30 और 40 का कौन है, 35, ठीक है, 40 और 50 का 45, 50 और 60 का 55, ऐसे सारे मध्य बिंदु निकाल लो। एफ एक्स मल्टीप्लाई करो, बारम्बार था वो, 3 को 35 से, 7 को 45 से, 12 को 55 से, ये कैलकुलेशन आएगी, ये एफ एक्स का सम तुम्हारे पास दे दिया, ये बच्चों बारम्बारता का सम यानी कि एन का मान हमारे पास आ गया। नेक्स्ट, माध्य से माध्य विचलन निकालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, है ना, तो माध्य से माध्य विचलन यानी कि बच्चों यहाँ पे हम माध्य से माध्य विचलन से तात्पर्य बताऊँ क्या होता है, अब हमें इसके पास जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम कन्फ्यूज होंगे ना, 30 और 40 में 30 ले 40 ले, इसलिए क्या बोला, मध्यमान निकाल कर उसको असंतत बारम्बारता में कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों पर, है ना। तो 35 इसका माध्य निकालना है सबसे पहले। माध्य निकालने के लिए बच्चों हम सभी क्या करते हैं, माध्य निकालने का तरीका होता है उन सभी का सम बटा 50, बोलो हाँ या ना, तो सभी का सम हम कर दें। तो बच्चों इन सभी का सम देखो ध्यान से, माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ एक्स सभी का सम करोगे तो 3100, देखो यहां पे पहले आ गया, बटा एन, 3100 में 50 का भाग दो बच्चों तो 62 हमारे पास एक्स बार आ गया, यानी कि इसका समांतर माध्य आ गया। अब इधर आ जाओ, माध्य से माध्य विचलन, ये हमारे पास कितना गया, 62, तो बच्चों ध्यान से देखो 35 माइनस 62, 35 में से 62 घटाओ, 35 में से क्या घटाओगे बच्चों, 62, तो 35 में से 62 घटाओगे तो ध्यान से देखो, आराम से घटाओ, 62 माइनस 35 कितना बचा बच्चों, 12 में से 5 गया तो 7, 5 में से 3 गया तो 2, 27 का स्क्वायर होता है बच्चों 729, नेगेटिव साइन आएगा उसका, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्क्वायर करेंगे तो वापस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऐसे ही 45 माइनस 62 का स्क्वायर, 55 माइनस 62 का स्क्वायर, ठीक है, 65 माइनस 62 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 75, 529, सभी का आ जाएगा बच्चों ऐसे, है ना, ठीक है। अब एफ से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये बारम्बार दो से मल्टीप्लाई कर दो, 10050 तुम्हारे पास आ गया। फॉर्मूला तुम्हारे पास है बच्चों, प्रसरण निकालने के लिए स्क्वायर अंडर रूट करने की आवश्यकता नहीं है, मानक विचलन निकालने के अंडर रूट कर देना। कैलकुलेशन तो मैं खुद को करनी है, समझाने लायक कुछ भी नहीं है, एक एक एग्जांपल सबके कर लो, सारे प्रश्न तुम खुद से कर सकते हो, एक संतत बारंबारता का, एक जिसमें बारंबारता हुई ना, एक असंतत बारंबारता का, फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले भूल जाओगे तो सब कुछ खेल खत्म हो जाता है बच्चों, आगे बढ़ो। एक और उदाहरण, ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे मानक विचलन हमें याद करना है, ठीक है, तो अब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम फॉर्मूला बताया था, देखो ये वाला यूज करेंगे अपन, अब करें, आ जाओ तो बाल को सभी फटाफट से आ जाओ। एक्स वन 7 बार आ रहा है, यानी कि 3 7 बार आ रहा है, 8 10 बार आ रहा है, 13 15 बार, 18 10 बार 23 6 बार आ रहा है, तो एक्स आई एफ आई एक्स आई दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 7 21, 8 को 10 से 80, 13 को 15 से 195, इस तरह से चलेगा। एक्स वन एक्स आई का स्क्वायर भी चाहिए हमारे को, देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए ना, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 8 का 64, 13 का 169, फिर एफ वन एक्स वन का स्क्वायर, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे एक्स आई का स्क्वायर कितना आ गया 9, इसको एफ से मल्टीप्लाई कर दो, 9 70 63, 64 को 10 से 640, 169 को 15 से 10 को 324 से, इन सब का सम हमारे पास कितना आ गया बच्चों, समेशन ऑफ एक्स, ठीक है, ये समेशन ऑफ एफ एक्स, ये समेशन ऑफ एफ। इसके बाद तो नॉर्मल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तुम्हारे सामने पेश है। अब यहाँ पे देखो,
एफ आई एक्स आई का स्क्वायर का सम कितना आया? 9652। 9652 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एन से। बच्चों एन यहाँ पे कौन होगा? समेशन ऑफ एफ 48। 48 यहाँ पे आ गया, 1/n। फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले याद नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे। एफ एक्स आई है ना, एफ एक्स आई बच्चों कहाँ पे गया? 614। इन सभी का सम 614 का स्क्वायर कैलकुलेशन करना बच्चों, तुम्हारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद तुम इसको और करो तो कर देना, मानक विचलन के लिए अंडर रूट करना पड़ता है, सभी को पता है। तो कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ज़्यादा, फॉर्मूला बेस्ड सारी एक्सरसाइज है। आराम से याद रखो, मानक विचलन के फॉर्मूले, प्रसरण के फॉर्मूले, कुछ भी नहीं है। बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, पक्का? आओ नेक्स्ट, एक और उदाहरण। अभी मानक विचलन गुणांक की बात कर रहा है बच्चों, ये मैंने तुम्हें सिखाया था ना थोड़ी देर पहले। मानक विचलन गुणांक याद आया कुछ? मानक विचलन बटा माध्य किया था ना अपन ने, चलो अभी करते हैं, कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। पहले तो मानक विचलन निकालना है, इस तरह का एग्जाम्पल मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हारे को समझा दिया। दोबारा, जब भी वर्ग में चीजें आती है तो मध्यमान निकालना पड़ता है। 0 और 2 का मध्यमान 1, 2 और 4 का 3, इस तरह से निकाल लोगे। अब आ जाओ, अब इसको भूल जाना पड़ता है और इससे बातें करनी पड़ती है सारी, है ना? तो बारंबारता, ये प्रश्न में ऑलरेडी गिवन है, इन सभी का सम हमने निकाल लिया 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सभी का सम किया बच्चों 150। अब अगर समांतर माध्य निकालना है तो 150 में 30 का भाग देंगे बच्चों, कितना बचेगा? 5। ठीक है, तो इसका समांतर माध्य आ गया हमारे पास 5, अगर आवश्यकता है तो, है ना? एफ एक्स आई का स्क्वायर, तो एक्स आई 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 को 2 से गुणा करो 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 पंजे 45। ठीक है, ठीक है बच्चों, मानक विचलन का फॉर्मूला सभी को आता है, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया था। अब देखो बच्चों, हमें माइनस का साइन लगा लो बस। अब तुम सोच रहे होंगे कि फॉर्मूला अलग कैसे आ गया? बच्चों वही रिप्रेजेंटेशन है, देखो जो थोड़ी देर पहले अपन ने की थी, ये वाला सेम ही तो फॉर्मूला है। सर सेम कैसे है, तुम ये सोच रहे हो ना? बच्चों ध्यान से देखो, इधर आओ, घबराओ मत, हो तुम चिंता मत किया करो कोई भी। जब इसका स्क्वायर अलग अलग करोगे तो यहाँ पे एन स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे अलग से स्क्वायर आ जाएगा। एलसीएम लोगे तो नीचे एन स्क्वायर और वहां पर एक एन ऊपर से बच जाएगा, तो नीचे जो एन स्क्वायर है उसका अंडर रूट लेंगे तो बाहर जाके 1/n हो जाएगा, तो 1/n और यहाँ पर एक अलग से एन रह गया, माइनस इसका स्क्वायर हो गया, तो वही तो फॉर्मूला था वहां भी। देखो इधर आओ, चिंता मत करो, 1/n जो एलसीएम लेने के बाद एन स्क्वायर आएगा, उससे अंडर रूट हटाएंगे तो 1/n बाहर चला जाएगा। इधर एन था, नीचे एन स्क्वायर एलसीएम में था, एलसीएम लोगे तो ऊपर एन बच जाएगा, इधर इसका स्क्वायर अकेला बच जाएगा ना, तो वही फॉर्मूला है बिल्कुल। तो ये बस फॉर्मूले में वैल्यूज रखो, कैलकुलेशन करो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। मानक विचलन गुणांक के लिए मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में समझा दिया था, क्या समझाया था बच्चों पहले वीडियो में, कि प्रसरण, सॉरी, मानक विचलन में किससे डिवाइड करेंगे? समांतर माध्य से डिवाइड करेंगे। समांतर माध्य हमने निकाल लिया 5, हमारा आंसर आ गया बच्चों 0.36। कैलकुलेशन तुम कर ही लोगे, जल्दी बोलो हाँ या ना? बहुत फास्ट हो रहा है क्या बच्चों? फास्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर वीडियो पॉज करके तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एज इट इज नोट डाउन कर लो, इसमें और कोई तरीके तो है नहीं, यही है बस, है ना? चलो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रसरण व मानक विचलन ज्ञात करने के लिए लघु विधि। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन बोले कि प्रसरण और मानक विचलन लघु विधि से ज्ञात करो, तो फिर हमें इसी विधि का यूज करना पड़ेगा जो तुम अब पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जब कभी कभी एक बारंबारता बंटन के प्रेक्षणों, प्रेक्षण जानते हो तुम, अथवा विभिन्न वर्गों के मध्यमान के मान बहुत बड़े होते हैं, जैसे जब हमारे वर्गों में आ रही थी बच्चों 0 से 2, 4 से 6, 6 से 8, तो मध्यमान लेके कर रहे थे, अब उनके मान बहुत बड़े हो जाएं तो माध्य तथा प्रसरण का मान ज्ञात करना कठिन हो जाता है, उसमें समय अधिक लगता है। तो ऐसे बारंबारता बंटन जिसमें वर्ग अंतराल समान हो, के लिए पद विचलन विधि के द्वारा इस प्रक्रिया को सरल बनाया जाता है। जब मध्यमान के मान बड़े बड़े होने लग जाए तो पद विचलन विधि है। पद विचलन विधि क्या होती है बच्चों? इधर आओ, कल्पित माध्य ए मान लिया, कल्पित माध्य के बारे में मैंने तुम्हें बच्चों इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ढंग से समझा दिया था, और मापक या पैमाने को 1/h गुना छोटा किया गया है, उसको 1/h छोटा गुना कर देते हैं। कैसे? और h सभी जानते हो इंटरवेल को शो करता है, अंतराल को शो करता है। मान लीजिए कि पद विचलन या नया चर हमारे पास वाई आई है ना, तो वाई आई जैसे हम डी निकालते थे वहां पर कल्पित माध्य सॉल्व करने के लिए, ऐसे निकालते थे एक्स आई माइनस ए बटा एच, है ना? यहाँ पर एक्स आई बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ एक्स आई की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वाई आई एच प्लस का ए, एक ही बात है। हम जानते हैं कि ये तो तुम सभी जानते हो, इसको बार बार तुम्हें बताने की आवश्यकता है नहीं, जितने भी आंकड़े हैं उन सभी का योगफल बटा उनकी संख्या। तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला तुम लगा देना,
एच बटा एन अंडर रूट एन, वहां पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर एक्स आई, एक्स आई आ रहा था, यहाँ पर वाई आई आएगा। वाई हमने क्या ले लिया, एक पद विचलन ले लिया, किससे, कल्पित माध्य से, यानी कल्पित माध्य द्वारा हम, कल्पित माध्य द्वारा हम ऐसा कर रहे हैं। वाई आई तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ऐसे निकालेंगे। तो एग्जाम्पल कर लेंगे एक बार, समझा जाऊंगा। जो जैसे ये देखो, 30 40 40 50 50 60, तो पहले माध्यमान ले ले अपन बच्चों, यहाँ पे कल्पित माध्य के द्वारा करेंगे तो ए बराबर आ गया 65, ऐसे मान लिया है ना। देखो 30 40 40 50 50 60, 60 70, तो आइडियली हमने कल्पित माध्य हमारी तरफ से ले लिया, क्या ले लिया बच्चों, 65 ले लिया, ठीक है, बीच का नंबर ले लिया कोई भी। अब आगे बढ़ो, एच बराबर 10, सभी को दिख रहा है अंतराल बच्चों कितने का है, 10 का। अब आ जाओ सारणियम प्राप्त कर लेंगे, वर्ग, बारंबारता, मध्य बिंदु, 30 और 40 का 35, 40 और 50 का 45, इस तरह से ले लिया। अब वाई आई हमें निकालना होता है, वाई आई के लिए फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया था मैंने, एक्स आई माइनस ए, ए मतलब कल्पित माध्य बटा एच, एच मतलब अंतराल। यहाँ पे कैलकुलेशन करो, ये डेटा तुम्हें प्राप्त होगा, अभी तो तुम खुद कर लोगे ना। अच्छा वाई स्क्वायर हमें निकालना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, एफ आई वाई आई निकालना है, एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर निकालना है, सारा डेटा तुम्हारे पास है, कैलकुलेशन करना। यहाँ पे इसका सम आ गया, यहाँ पे इसका सम आ गया, डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूले में रखो बच्चों। ये देखो माध्य निकालना पहले सिखा दिया इसने, माध्य कैसे निकाला यहाँ पे, ए प्लस एफ आई वाई आई बटा 50 गुणा h, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे जब हम माध्य निकालते हैं तो माध्य निकालने के लिए इसने क्या कर दिया, 50, यहाँ पे फिलहाल तो तुम्हें माध्य की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, प्रसरण कितना आ गया बच्चों, सिग्मा का स्क्वायर, फॉर्मूला एच स्क्वायर बटा एन स्क्वायर, थोड़ी देर पहले फॉर्मूला मैंने बताया था, वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो, कैलकुलेशन करो बच्चों, तुम्हारा आंसर आ गया 201, और मानक विचलन निकालने के लिए उसका अंडर रूट कर दो, आंसर आ जाएगा 14.18। अब यहाँ पर बात है बच्चों ये समांतर माध्य निकालने की, क्या हमारे क्वेश्चन ने, ध्यान से देखो, समांतर माध्य पूछा, पूछा ही नहीं सर, तुम क्यों निकाले, जब क्वेश्चन ने पूछा ही नहीं तो हमें निकालने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, तुम तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज रख दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों, बड़े थोड़ा सा आगे चलो नेक्स्ट। किसी प्रयोग में x पर 15 प्रेक्षणों के निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर का सम 2830, एक्स का सम, सभी एक्स का सम 170, प्रेक्षण करने पर एक मान 20 गलत पाया गया, हमने देखा कि 20 गलत आ गया, उसे सही मान 30 से प्रतिस्थापित किया गया, तब सही प्रसरण ज्ञात करो। बच्चों देखो इसमें क्या करेंगे, ये डेटा गिवन है, ये डेटा गिवन है। अब यहां पे देखो बच्चों, ई एक्स में वृद्धि, ई एक्स में वृद्धि, अब ध्यान से देखना, प्रेक्षण करने पर एक मान 20 गलत पाया गया है ना, और उसे सही मान से प्रतिस्थापित किया गया, सही मान बच्चों कितना है 30, तो वृद्धि कितनी होगी, 20 से 30 में बच्चों वृद्धि कितने की हुई, 10 की वृद्धि हुई ना, तो ये तो लिखा है इसने, सिग्मा एक्स में वृद्धि बच्चों कितने की, 10 की, सिग्मा एक्स डैश 170 प्लस 10 180, वृद्धि इतना की तो हुई पहले भाई, इस ये सिग्मा एक्स हमारे पास 170 था, 20 गलत मान है, उसको रिप्लेस किया हमने सही मान से, वो 30 है, तो वृद्धि कितने की, 10 की, तो यहाँ भी हमने 10 जोड़ दी 180। अब ई एक्स स्क्वायर में वृद्धि कितने की होगी, ये बात ये बोलना चाह रहा है बच्चों, अब ध्यान से देखो ना, यहाँ पर बच्चों ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2830 हमारे पास आ रही है, ठीक है, इसमें वृद्धि होगी बच्चों 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, भाई ई एक्स में 30 की वृद्धि थी उसमें 20 की वृद्धि, तो स्क्वायर में वृद्धि बच्चों कितनी हो जाएगी, 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर 500 की, तो इसमें हमारे पास 500 की वृद्धि करके हमने आंसर निकाल लिया, 2830 में वापस 500 जोड़ दो बच्चों, 3330 आंसर प्राप्त हो जाएगा, बहुत आसान है, पक्की बात है क्या, फॉर्मूला बेस है यार, है ना, कर लेना। आगे आगे बढ़ते हैं, प्रसरण, प्रसरण का फॉर्मूला 1/n, वही जो अपन शुरू में अभी थोड़ी देर पहले हम अप्लाई कर रहे थे यहाँ पे, है ना, ठीक है, यहाँ दोनों में n से डिवाइड कर दो, 1/n, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा 1/n, ये 1/n केवल इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर बारंबारता तो हमारे पास है ही नहीं, जो f या माध्य से विचलन ऐसा कुछ नहीं निकालना, डायरेक्ट सब कुछ दिया हुआ है, कैलकुलेशन करो, 78 हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट से बस इनको नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत आसान बातें हैं, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ अगले पार्ट में बच्चों हम आपकी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नमाला शुरू करेंगे, तब तक आशा करता हूँ एक बार उदाहरण, ये सारे उदाहरण मैंने वर्बली तुम्हें थोड़े से फास्ट फास्ट समझा दिए,
क्यों? क्योंकि आपके पास पाठ्य पुस्तक में ऑलरेडी है, जहां जहां तुम्हें समस्या आ सकती है सारे एग्जाम्पल हमने कर लिए। अब इन्हीं पर बेस्ड, इन्हीं पर आधारित आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न तुम्हें मिलेंगे, तो तुम खुद कर सकते हो। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करना। कैलकुलेशन बड़ी होगी, थोड़ा तुम्हें जोर आ सकता है बच्चों, लेकिन करना तो है ही, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो सभी का एक एक टाइप हमें करना ही करना है कम से कम। और तुम दो दो टाइप कर लोगे तो सुभान अल्लाह, तुम्हें कोई रोक ही नहीं पाएगा बच्चों। बात समझ में आ रही है? तो एक बार ट्राई करो सभी। मिलते हैं अगले वीडियो में आपकी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नमाला के साथ। धन्यवाद।